प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको जल्दी से दबाओ, बस क्लिक ही करना होता है। सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल द देसी वन, और आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे नए फोन से, तो क्लैरिटी टॉप नॉच है। तो अब पहले चलते हैं, फिर मैं रास्ते में बताती हूँ। गाइस फाइनली बैक टू माय चैनल, तो आज हम लोग जाने वाले हैं सर्कस में। हेलो बैक टू माय चैनल, और अभी हम जा रहे हैं सर्कस। मैंने थोड़ी सी इंट्रो तो दे दी थी आप लोगों को, बट अभी फाइनली, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 4 बजे का शो है, हम अप्रॉक्सीमेटली 4:45 निकल रहे हैं, तो अब चलते हैं और हम जा रहे हैं सर्कस। तो बहुत टाइम से नहीं, थोड़े टाइम से जब से सर्कस आया, हमने सोचा था कि रूथर थोड़ा बड़ा होगा तो हम उसको दिखाएंगे, तो फाइनली लास्ट टाइम हम नहीं ले गए थे, इस साल हमने, कल हम कुछ काम से वहाँ पे गए थे और हमने देख लिया था कि सर्कस आया था, नहीं 2-3 दिन पहले हमने देखा था, तो फिर हमने सोचा था कि हम कल जाएंगे, लेकिन कल मिकी बॉस बिजी, सो आज हमें टाइम दे दिया है, तो हम जा रहे हैं सर्कस। ये बंदरों को पता नहीं कौन से बंदर दिखाने, तो पहले चलो चलते हैं, फटाफट चलते हैं। और हाँ जी, तो हम यहाँ पे पहुँच गए द ग्रेट भारत सर्कस में, और यहाँ पे ना मैं आपको अपनी सुरीली आवाज़ में आगे का सारा कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि यूट्यूब मेरा भाई साहब तो है नहीं, जब भी कोई अच्छे अच्छे गाने बजते हैं तो वो मुझे पकड़ा देता है कॉपीराइट, तो यहाँ पे मेरी आवाज़ में ही सारा कुछ सुन लो। तो जब हमने एंट्री करी ना, तो वहाँ पे 3 काउंटर थे टिकट्स के, 400, 300 and 150 rupees, लेकिन यहाँ पे पूरा खाली था, तो हमने सोचा कि हम 150 की ले लेते हैं, और हमने 150 की ली, लेकिन हमने 300 और 400 के मज़े ही उठाए थे भाई साहब वहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि ये इतना कलरफुल था, आँखों को इतना अच्छा लग रहा था ना ये देख के। स्टेज यहाँ पे छोटा सा था, लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा थी, और इतनी सी सारी स्पेस में ना गिन के 50 लोग बैठे थे, 50 भी मैंने शायद ज़्यादा ही बोल दिए, तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरे बच्चों को ना मैंने 400 में बिठाया, लेकिन वो जाके ना गधे पीछे 150 में बैठ गए। खैर जहाँ में मेरे बच्चों को मज़ा आया उन्होंने वहीं पर जाके बैठे, दोबारा हम आगे आ गए थे। जो स्टार्टिंग हुई थी ना वो ऐसे हुई थी, यहाँ पे कुछ कोरियन गर्ल्स थी, कोरियन नहीं कह सकते, नेपाली गर्ल्स थी, ये नेपाली गर्ल्स थी और इंडियन भी थी, और उन सब का मिक्सचर था, 10 लोग या 15 लोग यहाँ पे टोटल थे, और मुझे थोड़ा सा ना कम पसंद आया, क्योंकि बहुत ही ठीक ठाक ही एंट्रेंस थी उनकी। और उसके बाद ना ये मेरे को लिटरली ऐसा लगा जैसे वो नूडल्स बनाते हैं ना और नूडल्स को उछालते हैं, बस वैसा वाला स्टंट था, लेकिन ठीक है, टैलेंटेड था बंदा यार। उसके बाद ये जो इंडियन लड़की थी, सीरियसली इसने, ये रेन डांस बोला जाता है, ये लोग रेन डांस ही बता रहे थे, ये इतना माइंड ब्लोइंग उसने किया था, हम सारे लोग अमेज थे कि यार क्या किया है, मेरे को बहुत प्राउड होता है ये सब देख के जब लड़कियाँ करती है स्पेशली। उसके बाद ये ग्रुप ऑफ बॉयज़ था 6 का, और ये लोग सारा अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, कुछ तो कोरियन, इंग्लिश और वैसे गाने बज रहे थे, उस पर वो परफॉर्म कर रहे थे, और रुद्र को काफ़ी अच्छा लगा इन बॉयज़ को परफॉर्म करते हुए देख के, क्योंकि उसको ये सारे स्टंट अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये जो स्टंट्स हो रहे थे ना, वो देख के मैं और मिकी सीरियसली में बोर हो रहे थे, आप बड़े हो तो आप थोड़ा सा बोर होने वाले हो, लेकिन ठीक है यार, बच्चों के लिए इतना तो हमें करना ही पड़ता है। उसके बाद ना ये दोनों जोकर कह लो या बॉबी कह लो, देखकर ना हंसी भी आती है, लेकिन बहुत फील भी हो जाती है, क्योंकि थोड़े से पैसे के लिए ना और अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से ना इनको ये सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही खुशी से कर रहे थे। उसके बाद ये जोकर का एक्ट था जो कि बहुत सो था, आई मीन एक दूसरे को बस लाते मार रहे थे और चेयर में बैठने नहीं दे रहे थे, बट बच्चों को बहुत मज़ा आया। ये वाले जो स्पेशल एक्ट थे जिसमें चाकू, छुरी, तलवार का यूज़ हो रहा था, ये बहुत सारे थे, आई मीन 3-4 एक्ट थे, लेकिन वो सब मैंने वीडियोस में दिखाए नहीं है, क्योंकि मैं इनको प्रमोट ही नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग सब कुछ देखते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कभी कोई ट्राई करे। इवन रुद्र को भी मैंने बहुत सारी सेफ्टी गाइडेंस उसी टाइम पे दी कि हमें नहीं करना चाहिए, जब जब भी गर्ल्स करती है ना परफॉर्मेंस, रुद्र को बहुत बोरियत होती है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे भी थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन ठीक है, सर्कस जैसा होना चाहिए वैसा ही पूरा था। उसके बाद स्पेशली ये वाला जो शो था, ये बहुत डेंजरस था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया आप लोगों को, आप स्पेशली खुद जाओ अगर आपका मन है तो, और आप देख लो। और ये साइकिल का शो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद ये बाइक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, बॉयज़ को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। यही वाले शोज़ की मैं आपकी, आप लोगों को बात कर रही हूँ, ऐसे ही बहुत सारे थे, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें ना मुझे पता है कि ये लोग पूरे सेफ्टी ले रहे हैं, और जब इन्होंने बांधा था तो मुझे पता है कि इन्होंने कोई ट्रिक से नहीं खोल दिया था, और सब कुछ ये देख पा रहा है, लेकिन सीरियसली मैं अगर देखने जाऊँ ना जिसने पूरा एक्ट नहीं देखा, तो ये काफ़ी रिस्की लगता है, इसलिए मैंने बहुत सारे एक्ट इसमें ये वाले आपको नहीं दिखाए, तो आप पर्सनली जाओ अगर आपको देखना है तो, और अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। लास्ट जो था वो इन सब चीज़ों से हुआ था, ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी,
जो फायर स्टो का स्टार्टर पैक होता है ना वो यही था, लेकिन ठीक है हमें मज़ा आया और रुद्र को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें पहली बार देखी थी। हम बस रुद्र को ये दिखाने लेके गए थे कि सर्कस में जो बेसिक होता है वो ऐसा होता है, अब हम उसे बॉम्बे सर्कस ले जाना चाहते हैं जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था। आगे मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलने आने वाली हूँ, बस जस्ट। भैया आपका नाम क्या है? विकास सिंह। आप यहीं पे करते हो सर? हाँ, सर्कस में काम करते हैं। चलो बढ़िया भैया, आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू, थैंक यू। आज हम गए थे ये वाले सर्कस और हमें सीरियसली में बहुत मजा आया। रुद्रा को मजा आया? और रुद्रा आप जोकर से डर क्यों रहे थे? हाँ एक्चुअली मैं रुद्रा ने ना हमेशा ऐसे स्कैरी जोकर देखे तो आज उसको डर लग रहा था उसके साथ, बट हमें मजा आया ना। सो एंजॉय अ लॉट। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।